जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान कार्रवाई में शहीद 4 जवानों को अंतिम संस्कार समारोह में दी गई अंतिम सलामी। कैप्टन ब्रिजेश के माता पिता ने कहा, गर्व है बेटे पर। रिटायर्ड कर्नल भुवनेश थापा के बेटे थे शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दार्जिलिंग के लेबोंग निवासी कैप्टन ब्रिजेश थापा शहीद हो गए। ब्रिजेश ने 27 साल की उम्र में वीरगति प्राप्त की। सोमवार रात जम्मू कश्मीर के डोडा से 4 घंटे दूर एक पहाड़ी जंगल में ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया और आखिर में दोनों पक्षों की लड़ाई में ब्रिजेश और 4 अन्य जवान की मौके पर ही मौत हो गई। ब्रिजेश थापा की शहादत की खबर सेना के अधिकारियों द्वारा उनके परिवार को पहले ही दे दी गई। ब्रिजेश का पार्थिव शरीर बुधवार को विशेष विमान से सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट लाया जाएगा। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता कर्नल भुवनेश थापा 2014 में सेना के सेनानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में वह दार्जिलिंग के लेबोंग में एक्स सर्विसमैन हेल्थ सर्विस स्कीम में कार्यरत है। ब्रिजेश लेबोंग में जन्मे। उन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा दार्जिलिंग में की, लेकिन अपने पिता की सेना में कहीं और पोस्टिंग के कारण उन्होंने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा राज्य से बाहर की। आखिरकार अपनी उच्च शिक्षा मुंबई में पूरी की। वहां से कॉलेज से बीटेक पूरा करने के बाद वह कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा में बैठे। 2018 में उन्होंने रक्षा सेवा की शॉर्ट सर्विस कमीशन परीक्षा उत्तीर्ण की और 2019 में सेना में शामिल हो गए। वह 2 साल के लिए 10 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। फिर उन्हें अतिरिक्त रेजिमेंटल ड्यूटी के लिए भारतीय सेना की विशेष विंग 145 आर्मी एयर डिफेंस में तहत जम्मू और कश्मीर में डोडा सेना छावनी में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिजेश थापा वहां कमांडर थे। डोडा से लगभग 4 घंटे की दूरी पर एक सैनिकों के साथ एक अभियान पर जाते समय उन पर अचानक हमला हो गया। उस हमले में ब्रिजेश की जान चली गई। कैप्टन ब्रिजेश थापा का पार्थिव शरीर बुधवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेगा। उसके बाद आर्मी कैंप में उन्हें शहादत और सलामी दी जाएगी। वहां से उनके पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से लेबोंग की पैतृक भूमि पर ले जाया जाएगा। घटना के बाद शहीद जवान के पिता रिटायर्ड कर्नल भुवनेश कुमार थापा ने और माता नीलिमा थापा ने अपने बेटे के शहीद होने पर बात की। वहीं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं अपने क्षेत्र की जनता और देश की जनता की ओर से शहीद मेजर ब्रिजेश थापा जी और उनके साथ वीरगति को प्राप्त अन्य सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमन है दार्जिलिंग की मातृशक्ति को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। दार्जिलिंग क्षेत्र की हमेशा से विशेषता रही है। आजादी से अब तक हमारे क्षेत्र ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। शहीद कैप्टन ब्रिजेश थापा, जिन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय गोरखाओं के मान सपूतों में आज उनका नाम शुमार हो गया। मैं उनके पिता, जो स्वयं एक सैनिक रहे हैं, कर्नल भुवनेश थापा जी और उनके परिवार को नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती को ऐसे वीर सपूत दिए। जय हिंद, जय भारत। मैडम, ब्रिजेश के बारे में पता चला है, थोड़ा बताइए आप लोगों को कब पता चला इसके बारे में? ये कल रात को 11 o'clock को पता चल गया हमको। ऊपर लिखा कल रात को 11 o'clock को पता चल गया था। ऐसे तो हुआ इंसिडेंट आई थिंक 9 o'clock के करीब, तो डेट टोल्ड अस अराउंड 11 o'clock। तो उनके सीओ ने फ़ोन किया था, जो पेरेंटल यूनिट का सीओ है, उन्होंने फ़ोन किया था। तो हमको ये मतलब वी कुडंट बिलीव ओनली, क्योंकि ऐसे तो हमको पता था वो ऑपरेशन के लिए जा रखा है करके। तो कितने साल से ब्रिजेश है सर्विस में? सर्विस में अभी हो गया उसका 5 years होने वाला था अभी।
कितने साल का था वो? अभी 26 कंप्लीट हो गई, 27 में स्टार्ट करते हैं। तो उनका डोडा में ही पोस्टिंग था या फिर अटैचमेंट में गए थे? अटैचमेंट में गया था वो, एक्चुअली है एडी का है वो, 145 AD, 145 AD का है, मगर उसको डिप्यूटेशन के लिए उधर भेज दिया था आरआर में, 10 RR में। कितने दिन पहले गए थे वो? ये गए थे सितंबर में, स्टार्ट किया था सितंबर में। तो लास्ट कब बात हुआ उसके साथ? संडे बात हुआ था, अराउंड 9 o'clock। क्या बोल रहे थे? तो 11 o'clock को जा रहा था ऊपर, क्योंकि इनका जहाँ पे इनका वो है यूनिट जो उसका था, वहाँ पे वहाँ से वहाँ तक ही गाड़ी जाता है उसका, जो कंपनी है वहाँ पे वो पैदल ही जाना पड़ता है, वो 7-8 hours का चलना पड़ता है उनको। तो एवरी टाइम उधर चल के फिर वहाँ मैं सबसे यंग एंड मतलब यंग ऑफिसर्स को वहाँ पे रखते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट जगह है ना वहाँ पे, तो इसलिए उसको वहाँ रखा था क्योंकि सबसे छोटा है सबसे वो था। तो आप लोग का फैमिली में इससे पहले भी आर्मी में सर्विस कर चुके हैं? हाँ, मेरा फादर इन लॉ भी आर्मी में था, हस्बैंड भी आर्मी में कर्नल है, अभी भी वो एक सर्विसमैन का OIC पॉलिटेक्निक में लेबोंग में कर रहा है। थ्री जनरेशन के। क्या बोलेंगे ये ऐसे मिलिटेंट्स के हाथों, मतलब कई दिन हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि आर्मी ऑफिसर्स मिलिटेंट्स के साथ ऐसे भीड़ में शहीद हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे दृश्यात हमारे सामने आते हैं, क्या बोलेंगे इसको लेके? अभी क्या बोल सकते हैं, अभी वो लोग भी ऐसे टेररिस्ट भी ऐसे अभी अचानक पहुंच जाता है कहीं से भी, उनको ऐसे सिर्फ मैसेज वो मिला था, उनको क्ल्यू मिला था कि मतलब इतना 14 वो लोग अंदर आ रखे करके ना, अभी कैसे आया क्या है वो तो पता नहीं, बट वो आ रखा करके तो सभी कूल ही लेता है क्योंकि सब तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है, तो कभी कभी तो ड्यूमर्स भी हो जाता है ना, तो इसलिए ब्रिजेश आज लेके आएगा उसको, रात को वो एयरफोर्स उसमें से, तो फिर कल सुबह ऊपर लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएंगे? कल अपने पेरेंटल हाउस लेबोंग में, आज वहाँ पे आर्मी वाले सभी लेके उन लोग ही कर रहे हैं सारा, तो यहाँ पे रितलिंग वगैरह होगा सुबह उसके लिए, तो उन लोग अपने वो लोग ही रख रहे हैं वहाँ पे बेस हॉस्पिटल में, घर में नहीं दे रहे, तो उसके कल सुबह यहाँ से फिर अराउंड 7-8 o'clock स्टार्ट कराएगा, फिर उसके बाद अपने उसमें जाएगा। आपका नाम? नीलिमा थापा। हाँ? नीलिमा थापा। लास्ट क्या हुआ, कब बात हुआ था, क्या सुना? मेरा लास्ट बात संडे में हुआ था 9:30 सुबह। उस टाइम वो बोल रहा था कि वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि ऊपर मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से, तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर चढ़ के ऊपर, क्योंकि उधर रोड नहीं है ऊपर, तो ऐसे जंगल का रास्ता ही ऊपर जाना होता है, तो उसका पार्टी लेके ऊपर जाना था। तो यही लास्ट बात हुआ था, और मतलब 14th को है? और ये 15th को नाइट को ये हुआ था। कितने साल से सर्विस में है वो? 5 साल से, 5 years है। कितने साल के थे वो? 27 years के। 27 आप जैसे ही मैंने जाना, जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा। आपका देश के लिए अपना दिया, क्या बोलेंगे? अभी ऐसा है कि अभी क्योंकि उसका इंटरेस्ट छोटे से फौज में और देश के लिए लड़ना था, तो उन्होंने अपना कभी वो ऐसा इसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं, और हमेशा जो है वो जो भी काम था वो अपना ठीक ठाक करता था और जो भी बोला वो सही करता था। और ये कि जैसे छोटे से ही उसको हमने बताया भी था अगर आर्मी में नहीं जाना किसी और, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग कर रखा है, BTEC किया हुआ है, तो उन्होंने बोला था, लेकिन वो बोला नहीं नहीं मैंने आर्मी में जाना है, तो हमेशा मेरा भी कोई आर्मी का जैसे जैकेट वगैरह है वो भी लगा के वो
घूमते थे। हाँ, अच्छा शौक था एक्चुअली। ऐसा आए दिन सुनने को मिलता है कि मिलिटेंट्स के हाथों हमारे देश के जवानों को शहीद होना पड़ रहा है, क्या बोलेंगे इस चीज को? जैसे मिलिटेंट्स ऐसे अचानक से हमला कर रहे हैं, नहीं ये तो घुसपैठ तो होता ही है, लेकिन क्या है ये इसको क्योंकि कभी ज़्यादा मिलिटेंट्स आ जाता है और उसको ये जरूरी मतलब हर एक मिलिटेंट को जंगल में दिखने पाते हैं क्योंकि जंगल बहुत वास्ट होता है और मिलिटेंट्स कहीं पर भी जा सकता है, तो इसीलिए क्या है ये चाहे कितने भी मिलिटेंट्स आ जाए बहुत मुश्किल होता है। जब मैं भी फौजी हूँ, मैंने भी ऐसे मिलिटेंसी में काम किया है, वो बहुत मुश्किल होता है काम कि हर एक मिलिटेंट्स को ढूंढ पाना या आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए क्या ये तो कभी किस्मत का बात है कि किसी को सामने मिल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो किस्मत। आप लोगों को खबर कब मिला? ये हमको कल शाम को रात को 10:30 बजे। ब्रिजेश को कब लेके आ रहे हैं और क्या इसके बाद का क्या प्रोसीड्यूर है आप लोग सोच? अभी वो सब हमारा आर्मी के तरफ से होता है, उनको वहाँ उस जगह से हेलीकॉप्टर से शायद निकाला गया वहाँ से और इवैक्यूएट करके वो जम्मू में लाया है और जम्मू से अभी वहाँ हमारा जो एयरफोर्स के जो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है वो लेके इधर आज शाम तक ये बागडोगरा में आएंगे और उसके बाद यहाँ से हम दार्जिलिंग मेरे जो पेरेंटल हाउस है एंसेस्ट्रल हाउस है वहाँ पर उधर ही क्योंकि वहाँ गांव वाले सब इंतज़ार कर रहे हैं तो उधर ही हम ले जाके उधर ही हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपका पूरा नाम है? मैं कर्नल भुवनेश कुमार थापा, रिटायर्ड। सर जस्ट अ मिनट सर, যদি আপনার ওয়ার্ডে একজন শহীদ হয়েছেন আর্মির ইয়েতে, কি বলবেন আপনি তো এলেন আজকে দেখেন? আমাদের যে আজকে আমরা খবর পেয়েছি ক্যাপ্টেন ব্রিজেশ থাপা ওনার পোস্টিং ডোডাতে জম্মু কাশ্মীরতে হয়েছিল, এক কালকে রাত্রে ওখানে একটা টেরোরিস্টকে নিয়ে কিছু ঘুসপেট হয়েছে, তো ইন্ডিয়ান আর্মি যে প্রোটোকল ওদেরকে ওখানে পাঠিয়েছে ওখানে উনি শহীদ হয়েছেন। আমি খুবই দুঃখিত, এটাই আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি আর ওদের জন্যে আমরা এখানে রাত্রি ঘুমাতে পারি যে ওরা বর্ডারে আছে, ওরা দেখে কি আমরা সেফ থাকি, তার জন্যে এখানে আমরা যে সিভিলিয়ানস রাত্রি ঘুমাতে পারি। তো আমি উই আর অল ভেরি প্রাউড, উনি থার্ড জেনারেশন আর্মি অফিসার, ওনার দাদা আর্মিতে ছিল, ওনার বাবা আর্মিতে ছিল, এখন উনি এক ক্যাপ্টেন, তো আমরা খুব প্রাউড। আর জয় হিন্দ। আমি শিবিকা মিত্তল, আমি এখানের কাউন্সিলর। অমি লালকা দ্বারিকা ক্যাশল, 3 সুন্দর টাওয়ার হরু, 40 লক্সারি ফ্ল্যাটস হরু র 20 প্রিমিয়াম দোকান হরু কো সাথমা সিলিগুড়ি মা তৈয়ার হই রেকো ছ, জাহা তপাইলে ক্লাব হাউস মা জিম, প্লে গার্ডেন র সুইমিং পুল কো আনন্দ লিন হোস। ইয়ো রেসিডেনশিয়াল অনি কমার্শিয়াল প্রপার্টি হো, জাহা 12 ভন্দা অগলো 3 BHK র 4 BHK ফ্ল্যাটস হরু উপলব্ধ ছ। সিলিগুড়ি শহর কো মুটু মানিনে সেবক রোড মা অবস্থিত অমি লালকা দ্বারিকা ক্যাশল তপাইহর কো পরখাইমা ছ, ঝট্টাই বুকিং গর্নু হোস র আফনো সুন্দর জীবন সাজাউনু হোস। অ্যাড্রেস ডন বস্কো মোড় সেবক রোড সিলিগুড়ি 8069220660। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule, during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Birmingham. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Char, 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 jata hai ra uta nahi chachar. चार डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट DR500 सुपर मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटी, मात्र 4 डिजिट मा, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 27 जुलाई, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भाई का टिकट बाट। ड्रीमिंग ऑफ विजिटिंग मिरिक, लक्जरी मीट सरेनिटी, अ परफेक्ट ब्लेंड इन मिरिक्स माउंट क्वीन, जॉय हैज नो एंड, जस्ट अ 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम सिलीगुड़ी, द परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर रिलैक्सेशन और कॉर्पोरेट इवेंट्स। Experience breathtaking views of Mirick Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirick. Call to book 800-133-7000.